दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं मौर्य जी न्यूज चैनल। दोस्तों आपको एक सूचना ऐसी देने वाले हैं जो कोरोना के बारे में है, और कोरोना कोई प्राकृतिक आपदा नहीं है। इस बात को सिद्ध करने के लिए प्रोफेसर हैं, डॉक्टर प्रोफेसर जापान के, उन्होंने बहुत बड़ा खुलासा किया है कोरोना को लेकर के। तो दोस्तों आज हम बताएंगे उन्हीं के शब्दों में कि कोरोना के बारे में मीडिया के सामने, जापान के मीडिया के सामने क्या बयान किया है, क्या बताया है, और आप भी सोचे क्या यह बात सही है। अगर लगता है कि यह प्राकृतिक नहीं है, प्राकृतिक आपदा नहीं है, तो इसके बारे में अपनी प्रतिक्रिया दें। दोस्तों आपको बताएंगे जापान के नोबेल पुरस्कार जीतने वाले जापान के प्रोफेसर डॉक्टर टासुक होजो ने आज मीडिया के सामने ये बोलकर सनसनी फैला दी है। क्या बोला है? कोरोना वायरस प्राकृतिक नहीं है। यदि प्राकृतिक होता तो पूरी दुनिया में ये यूं तबाही न मचाता। विश्व के हर देश में अलग अलग टेम्परेचर होता है। यदि ये कोरोना वायरस प्राकृतिक होता तो चीन जैसे अन्य देश, जहाँ चीन जैसा ही टेम्परेचर है या वातावरण है, वहीं दंगाई मचाता, मतलब वहाँ के लोग ही प्रभावित होते। लेकिन ये जिस तरह से स्विट्जरलैंड जैसे ठंडे देश में फैल रहा है, उसी तरह रेगिस्तान इलाकों में फैल रहा है जहाँ पे गर्मी बहुत हो रही है, वहाँ भी फैल रहा है। मतलब ठंड इलाकों में और गर्म इलाकों में दोनों जगह ये प्रभाव अपना दिखा रहा है। कोरोना वायरस आर्टिफिशियल, ये यदि ये प्राकृतिक होता और ठंडे स्थल फैलता तो गर्म स्थानों पर जाकर दम तोड़ देता। अनेकों जीव जंतु और वायरस पर 40 साल रिसर्च किया है। ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि ये वायरस प्राकृतिक नहीं है। ये वायरस बनाया गया है, पूरी तरह से आर्टिफिशियल है, मनुष्य द्वारा बनाया गया है और प्रयोगशाला में बनाया गया है। चीन की मुहम लेबोरेटरी में मैंने 4 साल काम किया है। उस लेबोरेटरी के सारे स्टाफ में से मैं पूरी तरह से परिचित हूँ। कोरोना हादसे के बाद से मैं सबको फोन लगा रहा हूँ, परंतु सभी मेंबर्स के फोन 3 महीने से बंद आ रहे हैं। अब पता चल रहा है कि सारे लोग, टेक्नीशियंस की मौत हो चुकी है। चीन झूठ बोला है, मेरी बातें सत्य होंगी। यदि गलत हुई तो सरकार मेरा नोबेल पुरस्कार वापस ले सकती है। मैं आज तक की अपनी सारी जानकारियां और रिसर्च के आधार पर ये 100% दावे के साथ कह सकता हूँ कि कोरोना प्राकृतिक नहीं है, और ये चमगादड़ से नहीं फैला, ये चीन ने बनाया है। जो मैं आज बोल रहा हूँ, यदि ये बात आज या मेरे मरने के बाद झूठी हो तो मेरा नोबेल पुरस्कार सरकार वापस ले सकती है। परंतु एक बार फिर कह रहा हूँ कि चीन झूठ बोल रहा है और ये सच्चाई एक दिन सबके सामने आएगी। दोस्तों ये दावा है, जापान के नोबेल पुरस्कार विजेता इस बात को कह रहे हैं कि अगर ये बात झूठी निकलती है, मेरा दावा अगर झूठ निकलता है, तो मेरा नोबेल पुरस्कार वापस ले लिया जाए। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ क्योंकि मेरा अनुभव यही कहता है। तो दोस्तों आप अपना कमेंट बताएं कि डॉक्टर प्रोफेसर की बातों में कितनी सच्चाई है, सच लग रही है, झूठ लग रही है, कमेंट के माध्यम से बताना दोस्तों। और लास्ट तक पूरा वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको जरा सा अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें दोस्तों, और बेल आइकन घंटी को दबाना ना भूलें।